वेलकम बैक टू आवर चैनल चैंपियन ऑलराउंडर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 39। प्रैक्टिस सेट 39 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको सेट स्क्वायर यूज करके परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। तो मैंने इस सेट स्क्वायर का डायग्राम बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर मैं सेट स्क्वायर को यूज करूंगा तो बहुत छोटा होगा और उसकी वजह से आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैं एक सपोज कर दिया हूँ, एक काल्पनिक रूप से बना दिया हूँ, कुछ ऐसा ही दिखता है सेट स्क्वायर। तो इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आपको लाइन लेनी है एल, ठीक है। उसके बाद पी सपोज करना है कि उस लाइन के बीच में कहीं पर, और उसी पी से अटैच होके आपका एक परपेंडिकुलर बनना चाहिए। तो हमने एक लाइन ले लिया एल, उसमें सेट स्क्वायर रखें, फिर पी को जस्ट उसके कॉर्नर पे रखना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है सेट स्क्वायर से रिलेटेड, ठीक है। आपने ड्रॉ किया लाइन, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक क्यू मिलेगा, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे आप सेट स्क्वायर को हटाएंगे तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा मिलेगा, ये लाइन एल हो गई, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ड्रॉ लाइन ए बी। तो हम पहले ड्रॉ लाइन ए बी कर लेते हैं, ए एंड बी हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, यूज कंपास, ड्रॉ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट द पॉइंट पी, सॉरी बी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो बी है उस पॉइंट को आपने यहाँ पे बी ले लिया है, अब इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। जस्ट बी पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विदाउट सेट स्क्वायर की हेल्प से, हमें सेट स्क्वायर की हेल्प नहीं लेनी है और बी पर भी हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका यूज नहीं करना है, केवल सेट स्क्वायर का। तो मीन्स हम किसका यूज कर सकते हैं, राउंडर का, राउंडर का यूज करेंगे और यहाँ पर सेम मेजरमेंट से एक कट यहाँ पर करेंगे और एक कट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। जो मेजरमेंट का आप कट ने किए हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट का जो कट किए हैं, सेम इसी मेजरमेंट से एक ऊपर यहाँ करना है और यहाँ पर रख कर यहाँ पर करना है, सेम एज जैसा ऊपर किया सेम एज नीचे भी करना है और दोनों लाइन को अटैच करना है जो पी से होते हुए जाएगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर आप लेना चाहें तो इसी जोड़ लेंगे, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक लाइन लेनी है सी डी, जो मैंने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, टेक एनी पॉइंट एम ऑन द लाइन, इस लाइन पर कहीं भी आ रहा है आपको एम लेना है, हमने ले लिया एम। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाना है एम पे, तो कैसे बनेगा, और यूज भी करना है, आपको कंडीशन दी हुई है कि प्रोटेक्टर का यूज करना है। तो प्रोटेक्टर आप जब यहाँ पे रखेंगे, प्रोटेक्टर बहुत छोटा होगा, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो आपको शायद दिखेगा नहीं, तो आप प्रोटेक्टर यहाँ बीच में रखेंगे और बीच में रख के उसका जो मिडिल पॉइंट होता है, एकदम मिडिल पॉइंट कुछ ऐसा सेफ होता है उसका, ये कुछ ऐसा सेफ होता है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसको आप यहाँ एम पे रखेंगे तो ये सीधा 90 डिग्री पे जाएगा। तो 90 डिग्री का आपको यहाँ पे एंगल बनाना है, ये आपका परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। आशा करता हूँ बताया गया क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।